बिहार में सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। बिहार के बागियों ने राजनीतिक दलों को चारों खाने चित कर दिया है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, बागी सब में है। बिहार में कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बागी एनडीए और इंडिया दोनों का समीकरण बिगाड़ने में लगे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से बागी हुए लोगों के पास राजनीतिक जमीन नहीं होती, लेकिन इस बार देश में ऐसा नहीं है। राजस्थान के मरुधरा से लेकर दिनकर की धरती बिहार तक बागी मजबूती से डटे हुए हैं। राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर और बिहार की पूर्णिया, नवादा, सिवान, काराकाट में बागी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिहार की सियासी संग्राम में इन दिनों पूर्णिया लोकसभा सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह, जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव। ये वही पप्पू यादव हैं एक हफ्ते पहले जिनके साथ राजनीतिक छल हो गया। बड़ी उम्मीद के साथ पूर्णिया सीट के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई और वहां से राजद ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया। तो पप्पू यादव कहां शांत रहने वाले थे। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। पप्पू यादव लालू यादव पर निशाना साधते रहे और कह रहे हैं, ये मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश थी। लेकिन पूर्णिया की जनता ने हमेशा से पप्पू यादव को जात पात से ऊपर रखा है। सबकी एक ही आवाज़ है, पप्पू और पूर्णिया। इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव राहुल गांधी को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया चुनाव के बाद सिवान में हिना साहब के लिए कैंपेन करने की बात कही। सिवान में जिस तरह मुस्लिम शाहबुद्दीन परिवार के साथ है, वैसे ही पूर्णिया में यादव पप्पू के साथ है। वैसे भी पूर्णिया में यादव और गंगोता में 36 का आंकड़ा है। पप्पू यादव बनाम आरजेडी की इस लड़ाई में एनडीए के संतोष कुशवाहा को फायदा मिल सकता है। इधर सिवान में दिवंगत बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भले ही यहां से एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन शाहबुद्दीन परिवार के समर्थन के लिए बिना इंडिया गठबंधन दलों की जीत मुश्किल है। पूर्णिया में पप्पू ने हिना साहब को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, तो हिना ने भी पप्पू को गार्जियन बताया। इसके बाद कहा जा रहा है कि पूर्णिया के साथ ही सिवान और उसके आसपास के जिले में भी एमवाई समीकरण खिसक सकता है, खासकर सिवान और उससे लगा हुआ जिला सारण में, जहां लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। सारण जिले में शाहबुद्दीन परिवार की आज भी धमक है। यही वजह है कि लालू यादव सिवान को लेकर बहुत ही सतर्क और चौकन्ने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बागी सिर्फ इंडिया गठबंधन का ही खेल बिगाड़ रहे हैं। एनडीए के लिए भी बागी काफी आफत में है। अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से सीट न मिलने पर कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। अब चर्चा तेज है कि कांग्रेस मुजफ्फरपुर से मैदान में ही उतर रही है। इधर बक्सर में अश्विनी चौबे खेला होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका टिकट इस बार कट चुका है। टिकट कटने का दुख चौबे के चेहरे पर साफ दिख रहा है। वैसे तो पार्टी के साथ बन रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके खेला होने वाले बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इधर आरा से भोजपुरी स्टार पवन सिंह का टिकट उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन भाजपा ने इनके साथ भी खेला कर दिया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला किया। वैसे में एनडीए के लिए काराकाट में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। काराकाट से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 3.5 लाख सवर्ण वोटर वाले काराकाट में अगर पवन सिंह सवर्णों को साधने में कामयाब होते हैं, तो उधर कोई भी वोट महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवार के बीच बंटता है, तो उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान नहीं होगी। आजकल देश में सबसे ज्यादा किसी सीट को लेकर चर्चा है, तो वो राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर, जहां से 26 साल के निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ताल ठोक रहे हैं। युवाओं में उनका बड़ा ही क्रेज है। वो अक्सर सारे भाषण अपनी मातृभाषा मारवाड़ी में ही देते हैं। पहली बार वो चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने राजस्थान विधानसभा मारवाड़ी भाषा में शपथ ली थी।